हाय दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे न्यू वीडियो में। और अगर आप भी ऐसा ही फेस स्मूथ करना चाहते हो तो ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखें। तो आप ये पहले का फ़ोटो देख सकते हो और ये एडिट का बाद का फ़ोटो देख सकते हो, कितना प्यारा हो रखा है, स्मूथ हो रखा है। तो चलते करते शुरू। अगर आप जो भी फ़ोटो एडिट करना चाहते हो उस फ़ोटो को आप लाइट रूम में कर लेना ऐड। तो आप देख सकते हो ये वाला फ़ोटो मैं पहले ही ऐड कर रखा हूँ लाइट रूम में। तो इसको कर लेते अपन सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो ये थोड़ा ज़्यादा ही ब्लैक हो रहा है, तो इसको अपन हल्का सा इसको करेंगे अपन गोरा, जिससे मुंह पे लाइट आए। तो अपन ये एडिट वाला ऑप्शन पे देख सकते हो, तो इस एडिट वाले ऑप्शन पे करेंगे अपन क्लिक। एडिट वाले पे क्लिक करने के बाद ये आप ऑटो वाला ऑप्शन देख सकते हो, इसको कर देंगे क्लिक। इसको इसलिए क्लिक करते हैं कि अपन जहाँ पर भी जो कलर है वहाँ पर एडजस्ट हो जाए। जैसे पीछे ग्रीन है, वो ग्रीन एडजस्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो आप देख सकते हो पहले का और आपका, मतलब एक ही क्लिक में कितना अंतर हो गया। तो अपन ये कलर वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। कलर वाले ऑप्शन के क्लिक करने के बाद अपन ये थर्ड वाले ऑप्शन देख सकते हो आप। तो थर्ड वाले ऑप्शन को अपन जितना हो सके आप अपने फ़ोटो के अनुसार, तो अपन रखेंगे इसका इतना 80-85 के पास। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, पर अपने इस फ़ोटो पे इतना ही सूट कर रहा है तो अपन को इतना ही लेना है। और इसके बाद आप ये वाला देख सकते हो सतरंगी कलर है, जो इस पर क्लिक करने के बाद आप ये रेड का ऑप्शन तो देख ही सकते हो। इसको हल्का सा आप सेकंड वाले को करना है माइनस में और थर्ड वाले को करना है प्लस में। सेकंड वाले ऑप्शन आप देख ही सकते हो ऑरेंज कलर का जो है ये वाला, अपन इस पर कर लेंगे क्लिक। और ये अपने क्या है कि चेहरे पे थोड़ा फेस क्या है कि गोरा दिखता है, इससे मुंह पे लाइट आता है। तो आप ये देख ही सकते हो कि अपन अपने फ़ोटो के अनुसार, अपन ये ज़्यादा हो गया तो अपन अपने फ़ोटो के अनुसार अपन रख लेंगे इसको। अपन इसको धीरे भी कर सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं। तो ये अपना इतना अच्छा लग रहा है तो अपन इतना पकड़ लेंगे, डन। और अगर आपको पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना है तो पीछे वाला बैकग्राउंड अपन देख सकते हो। पहले आप ये देखिएगा पीछे कौन सा कलर का बैकग्राउंड है। तो अपना ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, तो अपन ये ग्रीन वाला ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। इसको अपन कर देंगे फुल और इसको भी अपन करेंगे फुल। और अपना बारी आ गया कलर का, ये टी शर्ट कलर का। तो आप ये टी शर्ट है अपना ब्लू, हाँ। तो अपन ये इसमें देख लेगा आप ब्लू कहाँ है, तो ये है अपना ब्लू। तो इसको अपन कर देंगे डार्क, मतलब हल्का सा प्लस में, और ये इसको भी कर देंगे प्लस में। आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर बदल सकता है इसका। तो अपन को ये ही अपना अच्छा लग रहा है तो इसको कर देंगे पूरा डार्क। डार्क करने के बाद अपना हो जाता है यहाँ पर डन। और डन करने वाले ये कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर एडिट वाले ऑप्शन पर कर देंगे क्लिक। तो अभी आप ये देख सकते हो कि ये अपना पहले का है और ये अब का है। तो आप इसमें रह गया अपना फेस स्मूथ कैसे करते हैं। तो अपन अब फेस स्मूथ करेंगे अब। तो अपन अब इसको शेयर कर लेंगे स्केच बुक में। ये शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये तो शेयर आ गया। तो अपन स्केच बुक में जाएंगे, तो ये अपन आ चुके हैं स्केच बुक में। तो अपन इसको ऐसे सीधा कर लेंगे फ़ोटो को। तो अपन ये ब्रश वाले टूल दिख रहा है आपको, तो इस टूल पे क्लिक करने के बाद अपन को नीचे आना है, हल्का सा नीचे आना है। और ये आप ये सेकंड वाला ऑप्शन का देख ही सकते हो ब्रश, तो ये अपन सेकंड वाले ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक। इसको ऐसे साइड में करेंगे और ये अपने फ़ोटो के हिसाब से या फिर अपने हिसाब से आप अपने रख लेना है इसको। तो अपने पे ये सही है, तो अपन इसको कर देंगे कटर्स का निशान। अब इसको हल्का ब्रश फेरेंगे, इसको और हल्का सा बड़ा कर लेते हैं अपन। और इसको एकदम ध्यान से करना, और ये पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। इसको अब आराम से प्यार से, ये नहीं जल्दीबाजी में करोगे तो क्या है कि इसमें धब्बे जैसे हो जाएंगे फेस। इसको अपन आराम से हल्का जहाँ पे स्मूथ आपसे हो सके वहाँ पे कर देना। और जहाँ पे छोटा चीज़ है वहाँ पे आप ब्रश छोटा कर लेना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसे आराम से जहाँ पे फेस पे, गर्दन पे, और ये जहाँ पे फेस है, गर्दन है, सब पे, हाथ पे, सब पे आप अपने हिसाब से फेर लेना। और आराम से ये अपना हाथ भी हो चुका है, अपना फेस भी हो सकता है, फेस भी हो चुका है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको अपन इसको लिप्स को हल्का थोड़ा पिंक करेंगे। तो आप ये वाला ऑप्शन देख सकते हो, इस वाले पे क्लिक करना है, प्लस वाले पे क्लिक करके इस पर क्लिक करना है, और ये नॉर्मल लिखा हुआ ना इस पर क्लिक करके अपन को लेना है सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट लेने के बाद अपन को आ जाना है बैक। बैक आने के बाद ये कलर वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस कलर वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक।
और अपन को रेड कलर सिलेक्ट करना है। ये हो चुका है अपना रेड कलर सिलेक्ट। सिलेक्ट होने के बाद ये अपने आप ही टूल जो अपने आप ही सिलेक्ट हो जाता है। तो इसका हल्का सा करेंगे जूम और अब एलिप्स है वहाँ पे अपन कर लेंगे इसको फेर लेंगे। आप अपने हिसाब से अच्छे से फेर लेना, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ। अब इसको अपन ज़्यादा हल्का ज़्यादा भी कर सकते हो तो अपन पे इतना सही है। इसको अपन कर लेते सेव। और इसमें एक और ख़ास बात है, अपन को आपको इससे भी फेस थोड़ा हल्का सा गोरा करना है या फिर आपको हल्का सा वो करना है मतलब कम करना है, तो आप ये कलर वाले ऑप्शन पे जाके अपन को वाइट कलर सिलेक्ट करना है और यहाँ से कर देना है सिलेक्ट। ब्रश वाले पे हो चुका है अपना सिलेक्ट। इसको हल्का सा अपन ज़्यादा कर लेंगे और ये आप देख सकते हो ये हो चुका है अपना हल्का हल्का और भी ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा वाइट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कितना फ़र्क पड़ रहा है, हल्का सा हल्का हल्का फेर लेंगे अपन सारा जगह। ये आप देख सकते हो ये फ़र्क पड़ा ना हल्का हल्का, तो आप अपने फेस पे अच्छे तरीके से इसको फेर लेना। इसको फेर लेना अच्छी तरीके से, उसको कर लेना थोड़ा छोटा फोटो। फोटो छोटा करने के बाद अपन इस वाले ऑप्शन पे जाके इसको अपन ज़्यादा भी कर सकते हैं, देख सकते हो आप। इसको अपन कम भी कर सकते हैं, देख सकते हो आप, इसको ज़्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो। तो अपना इतना नॉर्मल सही लग रहा है, इसको कर देंगे। ये हो चुका है अपना फ़ोटो एडिटिंग, तो अब इसको कर लेंगे अपन गैलरी में सेव। और अगर ये फ़ोटो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।